जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद, अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन। अब मैं उस अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे भरत ने सौवीर राज को बतलाया था। प्राचीन काल की बात है, राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी, इसलिए अंत काल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें मृग होना पड़ा। मृग योनि में भी वे जातिस्मर हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा, अतः उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण बोध था, वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे। तो भी लोक में जड़वत ज्ञान शून्य मुख की भांति व्यवहार करते थे। उन्हें हष्ट पुष्ट देखकर सौवीर नरेश के सेवक ने बेगार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे सौवीर राज की पालकी ढोने लगे। यद्यपि विज्ञानी थे, तथापि बेगार में पकड़ लिए जाने पर अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे। अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर जाने लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज चल रहे थे। राजा ने देखा अन्य कहार शीघ्रगामी है तथा तीव्र गति से चल रहे हैं, ये जो नया आया है उसकी गति बहुत मंद है। तब वे बोले। राजा ने कहा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूर तक मेरी पालकी ढोई है, क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो खूब मुस्तंड जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन न मैं मोटा हूं, न मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है, न मुझे थकावट आई है, न परिश्रम करना पड़ा, न मुझ पर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वी पर दोनों पैर हैं, पैरों पर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु और उरुओं के ऊपर उदर पेट है, उदर के ऊपर वक्ष स्थल भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर ये पालकी रखी गई है, फिर मेरे ऊपर ये कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला ये शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तुम वहां पालकी में हो और मैं यहां पृथ्वी पर हूं। ऐसा जो कहा जाता है वो सब मिथ्या है। सौवीर नरेश, मैं तुम या अन्य जितने भी जीव हैं सबका भार पंचभूतों के द्वारा ही ढोया जा रहा है। ये पंचभूत भी गुणों के प्रवाह में पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ, सत्व आदि गुण कर्मों के अधीन है तथा कर्म अविद्या के द्वारा संचित है। जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है, आत्मा तो शुद्ध अक्षर अविनाशी शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसकी न तो कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। राजन, अब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तो तुमने किस युक्ति से व्यंग पूर्वक यह प्रश्न किया कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है? यदि पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों पर यदि पृथ्वी पैर जंघा उरु कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर रखी हुई ये पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो ये आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी ये भार रूप कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, जब प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है? जिस द्रव्य से ये पालकी बनी है उसी से मेरे, तुम्हारे तथा इन संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का निर्माण हुआ है, इन्हें सब की समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। ये सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरण पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके मुझसे कुछ सुन
मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, ये बात नहीं कही जा सकती। क्या तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है तथा तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्मफल का उपभोग करने के लिए होती है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश अथवा शरीर आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं तथा धर्माधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के देश अथवा शरीर आदि को प्राप्त होता है। राजा ने कहा, ब्राह्मण जो है अर्थात जो आत्मा सत्व स्वरूप से विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूं यो कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजवर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, राजन आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषावह नहीं है, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्मतत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषावह है ही, परंतु अनात्मा में आत्मत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषावह है ही, अथवा जहां कोई भी शब्द ब्रह्मपूर्ण अर्थ को लक्षित कराता हो वहां उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा की स्थिति है तो कौन तुम और कौन मैं हूं ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन तुम राजा हो, ये पालकी है, हम लोग इसे ढोने वाले कहार हैं, ये आगे चलने वाले सिपाही हैं तथा ये लोग तुम्हारे अधिकार में हैं। ये जो कहा जाता है ये सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से ये पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। सौवीर नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी नाम क्या हो गया? कोई भी चेतन मनुष्य ये नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। कोई भी चेतन मनुष्य ये नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? नृपश्रेष्ठ, रचना कला के द्वारा एक विशेष आकार में परिणित हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढो। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढो तो सही। ये पुरुष, ये स्त्री, ये गौ, ये घोड़ा, ये हाथी, ये पक्षी और ये वृक्ष हैं। इस प्रकार कर्मजनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकार के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जिह्वा अयम मैं का उच्चारण करती है, दांत, होठ, तालु और कंठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये अहम मैं पद के वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या युक्तियों से जिह्वा कहती है कि वाणी ही अहम मैं हूं? यद्यपि जिह्वा ये कहती है तथापि यदि मैं वाणी नहीं हूं ऐसा कहा जाए तो ये कदापि मिथ्या नहीं है। राजन मस्तक और गुदा आदि के रूप में जो शरीर है वो पुरुष, आत्मा, ये सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किस अवयव के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं? गोपाल शिरोमणे, यदि मुझ आत्मा से भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता रखता हो तो ये मैं हूं। ये दूसरा है, ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं सब के सब कर्मजन्य हैं। संसार में जिसे राजा या राजसेवक कहते हैं वो तथा और भी इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। भोपाल, तुम संपूर्ण लोक के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, धर्मपत्नी के पति हो और पुत्र के पिता हो। इतने नामों के होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? पृथ्वीनाथ, क्या ये मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है वैसे ही उदर भी तो है, फिर उदर
क्यों नहीं हो? तो क्या इन पैर आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं। तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज, इस समस्त अवयवों से तुम पृथक हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि मैं वास्तव में कौन हूं। ये सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मण से कहा। राजा बोले, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्यत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो। वो उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे? परमार्थ क्या है ये नहीं पूछते? परमार्थ ही सब प्रकार के कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु सौवीर नरेश, तुम ही बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा? विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। यज्ञादि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को वो श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वो सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जाति आदि के संसर्ग से रहित एवं विभू है। अब मैं तुम्हें निदाध और ऋतु, ऋभु का संवाद सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे, पुलत्स नंदन। निदाध ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विद्या पढ़ लेने के पश्चात निदाध देविका नदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। हजार दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निदाध को देखने के लिए गए। उस समय निदाध बलिवैश्व देव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे तृप्ति हुई है, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला है। ये कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसको भूख लगी होती है उसी को भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह के धर्म हैं, मुझे आत्मा का ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा इसलिए कहता हूं, मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष, आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वो प्रत्यगात्मा ही हूं। अतः तुमने जो मुझसे ये पूछा कि आप कहां से आते हैं, ये प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं ना कहीं जाता हूं, ना आता हूं, और ना किसी एक स्थान में रहता हूं। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूं। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह ही पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूं और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहां आया हूं। अब जाऊंगा, तुम्हें परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेवक संघ परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तत्पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उस नगर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा निदाध नगर के पास एकांत स्थान में खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया, इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो? निदाध ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां ठहर गया हूं। ऋतु ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, तुम यहां की सब बातें जानते हो, बताओ इनमें कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाध ने कहा, ब्राह्मण, जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मतवाले गजराज पर चढ़े हैं वही ये नरेश हैं, तथा जो चारों ओर उन्हें घेर कर खड़े हैं वे ही दूसरे लोग हैं।
ये नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझे समझा कर बताओ इनमें कौन राजा है और कौन हाथी। निदाद बोले, अच्छा बतलाता हूं। ये कहकर निदाद ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देखकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूं और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तब ऋतु ने निदाद से कहा, मैं कौन हूं और तुम्हें क्या कहूं। इतना सुनते ही निदाद उतर कर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरु जी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत होता रहता हो। निश्चय ही आप मेरे गुरु जी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निदाद से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मा का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ सारभूत अद्वैत तत्व का दर्शन तुम्हें करा दिया। ब्राह्मण, जड़ भरत कहते हैं, राजन, निदाद इस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा ये संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक विष्णु का ही स्वरूप है। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सवीर नरेश भवबंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही अज्ञानमय संसार वृक्ष का शत्रु है, इसका निरंतर चिंतन करते रहिए। गीता सार। अब मैं गीता का सार बतलाऊंगा, जो समस्त गीता का उत्तम से उत्तम अंश है। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका उपदेश किया था। वो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसका प्राण चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारी के लिए शोक करना उचित नहीं, क्योंकि आत्मा अजन्मा, अजर, अमर तथा अमेध है। इसलिए शोक आदि को छोड़ देना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध और क्रोध से अत्यंत मोह, विवेक का अभाव होता है। मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषों का संग करने से बुरे संग छूट जाते हैं, आसक्तियां दूर हो जाती हैं। फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओं का त्याग करके केवल मोक्ष की कामना रखता है। कामनाओं के त्याग से मनुष्य की आत्मा अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होती है। उस समय वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है अर्थात समस्त जीव जिसकी ओर से बेखबर होकर सो रहे हैं, उस परमात्मा के स्वरूप में भगवत प्राप्त संयमी योगी पुरुष जागता रहता है। तथा जिस क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट हैं, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि ही समान है। अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट है, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के ही समान है। जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसार में उस आत्माराम पुरुष को न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न करने से ही। महाबाहो, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है, वो ये समझकर कि संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेने से निश्चय ही संपूर्ण पापों को तर जाओगे। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण योग युक्त है, परमानंदमय परमात्मा में स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला है, वो योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है।
योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार वाले श्रीमानों धनवानों के घर में जन्म लेता है। तात, कल्याणमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मेरी यह त्रिगुणमयी माया अलौकिक है, इसका पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे ही इस माया को लांघ पाते हैं। परश्रेष्ठ, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इनमें से ज्ञानी तो मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। अविनाशी परम तत्व, सच्चिदानंदमय परमात्मा ब्रह्म है। स्वभाव अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विसर्ग का, यज्ञदान आदि के निमित्त किए जाने वाले द्रव्यादि के त्याग का नाम कर्म है। विनाशशील पदार्थ अभिभूत है तथा पुरुष हिरण्यगर्भ अधिदैवत है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के भीतर मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। अंतकाल में मेरा स्मरण करने वाला पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने देह का परित्याग करता है उसी को वो प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो प्राणों को भवों के मध्य में स्थापित करके ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए देह त्याग करता है वो मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से लेकर तुच्छ कीट तक जो कुछ दिखाई देता है सब मेरी ही विभूतियां हैं। जितने भी श्री संपन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं सब मेरे अंश हैं। मैं अकेला ही संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हूं, ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह शरीर क्षेत्र है, जो इसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो यथार्थ रूप से जानता है वही मेरे मत में ज्ञान है। पांच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां एक मन, 5 इंद्रियों के विषय इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल शरीर चेतना और धृति, ये विकारों सहित क्षेत्र हैं जिसे यहां संक्षेप से बतलाया गया है। अभिमान शून्यता, दंभ का अभाव, अहिंसा क्षमा सरलता गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रिय एवं शरीर का निग्रह, विषय भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का न होना, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग आदि में दुख रूप दोष का बारंबार विचार करना, पुत्र स्त्री और गृह आदि में आसक्ति और ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही समान चित्त रहना, हर्ष शोक के वशीभूत न होना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अविचल भक्ति का होना, पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, विषयी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का अभाव, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति तथा तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का निरंतर दर्शन, ये सब ज्ञान कहा गया है और जो इसके लिए विपरीत है वो अज्ञान है। अब जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है उसका वर्णन करूंगा। जिसको जानकर मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, ज्ञेय तत्व अनादि है और परम ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसे न सत कहा जा सकता है न असत, वो इन दोनों से विलक्षण है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब इंद्रियों से रहित होकर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सबका धारण पोषण करने वाला होकर भी आसक्ति रहित है तथा गुणों का भोक्ता होकर भी निर्गुण है वो परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर भी विद्यमान है। चर और अचर सब उसी के स्वरूप हैं। सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्ञेय है, वही निकट है और वही दूर। यद्यपि वो विभाग रहित है, आकाश की भांति अखंड रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि संपूर्ण भूतों में विभक्त पृथक पृथक स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। उसे विष्णु रूप से सब प्राणियों का पोषक, रुद्र रूप से सबका संहारक और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। वो सूर्य आदि ज्योतियों की भी ज्योति प्रकाशक है। उसकी स्थिति अज्ञानमय अंधकार से परे बतलाई जाती है।
वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य तत्वज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में देखते हैं, दूसरे लोग सांख्य योग के द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्म योग के द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मंद बुद्धि वाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासना में लगने वाले पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, जो मान अपमान में तथा मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान भाव रखता है, जिसने कर्तव्य के अभिमान को त्याग दिया है, वो निर्गुण गुणातीत कहलाता है। जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा है और शाखा नीचे की ओर यानी ब्रह्मा जी आदि हैं, उस संसार रूपी अश्वस्थ वृक्ष को अनादि प्रवाह रूप से अविनाशी कहते हैं। वेद उसके पत्ते हैं, जो उस वृक्ष को मूल सहित यथार्थ रूप से जानता है वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक दैवी देवताओं के से स्वभाव वाली और दूसरी आसुरी असुरों के से स्वभाव वाली। अतः मनुष्यों के अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा दैवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसमें ना शौच होता है ना सदाचार। क्रोध लोभ और काम ये नरक के देने वाले हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सत्व आदि गुणों के भेद से यज्ञ तप और दान तीन प्रकार के माने गए हैं, सात्विक राजस और तामस। सात्विक अन्न आयु बुद्धि बल आरोग्य और सुख की वृद्धि करने वाला है। तीखा और रूखा अन्न राजस है, वो दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। अपवित्र जूठा दुर्गंध युक्त और नीरस आदि अन्न तामस माना गया है। यज्ञ करना कर्तव्य है ये समझकर निष्काम भाव से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ सात्विक है। फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ राजस और दंभ के लिए किया जाने वाला यज्ञ तामस है। श्रद्धा और मंत्र आदि से युक्त एवं विधि प्रतिपादित जो देवता आदि की पूजा तथा अहिंसा आदि तप हैं, उन्हें शारीरिक तप कहते हैं। अब वाणी से किए जाने वाले तप को बताया जाता है, जिससे किसी को उद्वेग ना हो, ऐसा सत्य वचन स्वाध्याय और जप ये वांगमय तप है। चित्त शुद्धि मौन और मनोनिग्रह ये मानस तप है। कामना रहित तप सात्विक फल आदि के लिए किया जाने वाला है। राजस तथा दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया हुआ तप तामस कहलाता है। उत्तम देश काल और पात्र में दिया हुआ दान सात्विक है। प्रत्युपकारक के लिए किया जाने वाला दान राजस है तथा अयोग्य देश काल आदि में अनादर पूर्वक दिया हुआ दान तामस कहा गया है। ओम तत् और सत ये परम ब्रह्म परमात्मा के तीन प्रकार के नाम बताए गए हैं। यज्ञ दान आदि कर्म मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जिन्होंने कामनाओं का त्याग नहीं किया है उन सकामी पुरुषों के लिए कर्म का बुरा भला और मिला हुआ तीन प्रकार का फल होता है। ये फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। सन्यासी त्यागी पुरुषों के कर्मों का भी कभी कोई फल नहीं होता। मोहवेश जो कर्मों का त्याग किया जाता है वो तामस है। शरीर को कष्ट पहुंचने के भय से किया हुआ त्याग राजस है तथा कामना के त्याग से संपन्न होने वाला त्याग सात्विक कहलाता है। अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न करण नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा दैव ये पांच ही कर्म के कारण है। सब भूतों में एक परमात्मा का ज्ञान सात्विक, भेद ज्ञान राजस और अतात्विक ज्ञान तामस है। निष्काम भाव से किया जाना वाला कर्म सात्विक, कामना के लिए किया जाने वाला कर्म राजस तथा मोहवश किया हुआ कर्म तामस है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक, हर्ष और शोक करने वाला राजस तथा शठ और आलसी कर्ता तामस कहलाता है।
कार्य अकार्य के तत्व को समझने वाली बुद्धि सात्विकी, उसे ठीक ठीक न जानने वाली बुद्धि राजसी तथा विपरीत धारणा रखने वाली बुद्धि तामसी मानी गई है। मन को धारण करने वाली धृति सात्विकी, प्रीति की कामना करने वाली धृति राजसी तथा शोक आदि को धारण करने वाली धृति तामसी है। जिसका परिणाम सुखद हो वो सत्व से उत्पन्न होने वाला सात्विक सुख है। जो आरंभ में सुखद प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुखद हो वो राजस सुख है तथा जो आदि और अंत में भी दुख ही दुख है वो आपाततः प्रतीत होने वाला सुख तामस कहा गया है। जिससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसने ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस विष्णु को अपने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो सब अवस्थाओं में और सर्वदा मन वाणी एवं कर्म के द्वारा ब्रह्मा से लेकर तुच्छ कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु का स्वरूप समझता है, वो भगवान में भक्ति रखने वाला भागवत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। यम गीता। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं यम गीता का वर्णन करूंगा जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। ये पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिरचित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान, पहनने के वस्त्र आदि तथा ग्रह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा है, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन ये मनुष्य के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना ये मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। यह गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत, जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न एक हैं। इनमें से जो भेद की प्रतीति होती है उनका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जयगीश वेव का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन। सब प्रकार की विधित्सा, कार्यारंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। ये देवल का मत बताया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता, यह सनकादिकों का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रकृति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म ही ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का स्वरूप है।
वही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो संतों में श्रेष्ठ है। वो अविनाशी परम ब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है वो सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे ऊपर आगे देह इंद्रिय मन तथा मुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि ही विराजमान है। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वो साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वो जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सब की उत्पत्ति हुई है, जो सर्व स्वरूप है तथा ये सब कुछ जिसका संस्थान आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई तो परम ब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्म और ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य चंद्रमा और काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर, जिन्हें जान लेने पर या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बातें सुनने एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग या शरीर। इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता, वो उत्तम पद को, परमात्मा को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है, वो उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे वो फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहां विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है। विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे महान आत्मा महतत्व है। महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ ये आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्म दर्शी पुरुष अपने तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमय बुद्धि में लीन करें। इसी प्रकार बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को शांत आत्मा में लीन करें। यम नियमादि साधनों से ब्रह्मा और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्व स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न करना, ये पांच यम कहलाते हैं। नियम भी पांच ही हैं: शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, उत्तम, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है, उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राण वायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। ब्राह्मण, एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न एक हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त होता है।
वो सत्व स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, ये मैंने यमगीता बतलाई है, इसे पढ़ने वालों को ये भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है। अग्नि पुराण का महात्मा। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। मैंने तुमसे इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा, इन दो विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। ये महापुराण है। ऋक, यजुः, साम और अथर्व नामक वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघंटु, कोश, ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्री हरि, ये सब अपरा विद्या है तथा परम अक्षर तत्व परा विद्या है। इस पुराण में इन दोनों विद्याओं का विषय वर्णित है। ये सब कुछ विष्णु ही है। ऐसा जिसका भाव हो उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान और पितरों का श्राद्ध न करके भी यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करे तो वो पाप का भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण है। उनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता। यदि परतंत्रता आदि दोषों से प्रभावित होकर तथा विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बहुत सी बातें बताने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन हो, कथा वही है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा हो, और कर्म वही है जो श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया जाए। वशिष्ठ जी, जिस परमोत्कृष्ट परमार्थ तत्व का उपदेश न तो पिता पुत्र को न गुरु शिष्य को कर सकता है, वही इस अग्नि पुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर, संसार में भटकने वाले पुरुष को स्त्री, पुत्र और धन वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहृदों की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु वैसा उपदेश नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेती बारी और बंधु बांधवों से क्या लेना है, ये उपदेश ही सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि ये संसार से मुक्ति देने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वो दैवी सृष्टि के अंतर्गत है, जो भगवान से विमुख है वो आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, असुर है। ये अग्नि पुराण जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुस्वप्न का नाश करने वाला, मनुष्यों को सुख और आनंद देने वाला तथा भवबंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिनके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पोथी मौजूद होगी वहां उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक माशा सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्नि पुराण का एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनों का फल समान है। श्लोक सुनाने वाला पुरुष तिल और सुवर्ण का दान फल पा जाता है। इसके एक अध्याय का पाठ गोदाम से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गायों का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, रूप, धर्म तथा परा और अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं इस अग्नि पुराण नामक शास्त्र की समानता नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी, प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेगी वहां विघ्न बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदि का भय नहीं होगा। जहां अग्नि पुराण रहेगा उस घर में गर्भपात का भय न होगा। बालकों को ग्रह नहीं सताएंगे तथा पिशाच आदि का भय भी निवृत्त हो जाएगा। इस पुराण का श्रवण करने वाला ब्राह्मण वेदवेत्ता होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शूद्र निरोग रहता है। जो भगवान विष्णु में वन लगाकर सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है
उसके दिव्य आंतरिक्ष और भावम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने सुनने और पूजन करने वाले पुरुष के और भी जो कुछ पाप होते हैं उन सब को भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध और पुष्प आदि से पूजा करके श्री अग्नि पुराण का श्रवण करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। शिशिर ऋतु में इसके श्रवण से पुंडरीक का तथा वसंत ऋतु में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेय का, वर्षा में राजसूय का तथा शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी जो भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्ति पूर्वक अग्नि पुराण का पाठ करता है वो मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री केशव का पूजन करता है। जिसके घर में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पुस्तक पूजित होती हो उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ में रहते हैं। ये बात पूर्व काल में कालाग्नि स्वरूप श्री हरि ने स्वयं ही मुझसे बताई थी। आग्नेय पुराण ब्रह्म विद्या एवं अद्वैत ज्ञान का रूप। वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास, ये अग्नि पुराण परा अपरा दोनों विद्याओं का स्वरूप है। इसे विष्णु ने ब्रह्मा से तथा अग्निदेव ने समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूप में सुनाया उसी रूप में मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। अग्निदेव के द्वारा वर्णित यह आग्नेय पुराण वेद के तुल्य माननीय है तथा ये सभी विषयों का ज्ञान कराने वाला है। व्यास, जो इसका पाठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरों से लिखाएगा, शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा अथवा इस पुस्तक का पूजन या धारण करेगा वो सब पापों से मुक्त एवं पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्ग लोक में जाएगा। जो इस उत्तम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों को दान देता है वो ब्रह्मलोक में जाता है तथा अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो एक श्लोक का भी पाठ करता है उसका पाप पंक से छुटकारा हो जाता है। इसलिए व्यास, इस सर्वदर्शन संग्रह रूप पुराण को तुम्हें श्रवण करने की इच्छा रखने वाले शुकादि मुनियों के साथ अपने शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। अग्नि पुराण का पठन और चिंतन अत्यंत शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया उस अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, सुत, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के मुख से सुना हुआ यह अग्नि पुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। परा और अपरा विद्या इसका स्वरूप है। ये परम पद प्रदान करने वाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है, भाग्यवान पुरुषों को ही ये प्राप्त होता है। ब्रह्म या वेद स्वरूप इस अग्नि पुराण का चिंतन करने वाले पुरुष श्रीहरि को प्राप्त होते हैं। इसके चिंतन से विद्यार्थियों को विद्या और राज्य की इच्छा रखने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहने वाले सौभाग्य को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य मोक्ष को पाते हैं। इसे लिखने और लिखाने वाले लोग पाप रहित होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। सूत, तुम शुक और पैल आदि के साथ अग्नि पुराण का चिंतन करो, इससे तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तों को ये पुराण सुनाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि मुनिवरों, मैंने श्री व्यास जी की कृपा से श्रद्धा पूर्वक अग्नि पुराण का श्रवण किया है। ये अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। आप सब लोग श्रद्धा युक्त होकर इस नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि का पूजन करते हुए निवास करते हैं। अतः आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर मैंने आपसे इस पुराण का वर्णन किया है। अग्निदेव इस पुराण के वक्ता हैं, अतएव ये आग्नेय पुराण कहलाता है। इसे वेदों के तुल्य माना गया है। ये ब्रह्म और विद्या दोनों से युक्त है, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ साधन। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुहृद, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराण से बढ़कर शास्त्र नहीं है, इससे उत्तम श्रुति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धांत और इससे श्रेष्ठ मंगल नहीं है। इससे बढ़कर वेदांत भी नहीं है। ये पुराण सर्वोत्कृष्ट, इस पृथ्वी पर अग्नि पुराण से बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है। इस अग्नि पुराण में सब विद्याओं का प्रदर्शन परिचय कराया गया है। भगवान के मत्स्य आदि संपूर्ण अवतार, गीता और रामायण का भी इसमें वर्णन है। हरिवंश और महाभारत का भी परिचय है।
नौ प्रकार की सृष्टि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव आगमन का भी गान किया गया है। देवताओं के स्थापना के साथ ही दीक्षा तथा पूजा का भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण आदि की विधि, प्रतिमा के लक्षण आदि तथा मंदिर के लक्षण आदि का वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाले मंत्रों का भी उल्लेख है। शैव आगम तथा उसके प्रयोजन, शाक्त आगम, सूर्य संबंधी आगम, मंडल, वास्तु और भांति भांति के मंत्रों का वर्णन है। प्रतिसर्ग का भी परिचय कराया गया है। ब्रह्मांड मंडल तथा भुवन कोश का भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियों का भी उल्लेख है। गंगा तथा प्रयाग आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिष चक्र, नक्षत्र मंडल, ज्योतिष आदि विद्या तथा युद्ध जयार्णव का भी निरूपण है। मन्वंतर आदि का वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अशौच, द्रव्य शुद्धि तथा प्रायश्चित का भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दान धर्म, भांति भांति के व्रत, व्यवहार शांति तथा ऋग्वेद आदि के विधान का भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैद्यक, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्याय विस्तार, पुराण संख्या, पुराण महात्म, छंद, व्याकरण, अलंकार, निघंटु, शिक्षा और कल्प आदि का भी इसमें निरूपण किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक लय का वर्णन है। वेदांत, ब्रह्मज्ञान और अष्टांग योग का निरूपण है। स्रोत, पुराण महिमा और अष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षर तत्व का भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्म के सप्रपंच, सविशेष और निष्प्रपंच, निर्विशेष रूप का वर्णन किया गया है। ये पुराण 15,000 श्लोकों का है। दिवलोक में इसका विस्तार 1,000,000,000 श्लोकों में है। देवता सदा इस पुराण का पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अग्निदेव ने इसका संक्षेप से वर्णन किया है। शौनकादि मुनियों, आप इस संपूर्ण पुराण को ब्रह्ममय ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वो परम शुद्ध हो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके कुल सहित स्वर्ग को जाता है। राजाओं को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण के वक्ता का पूजन करें। गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदि का दान दे, वस्त्र और आभूषण आदि से तृप्त करते हुए वक्ता का पूजन करके मनुष्य पुराण श्रवण का पूरा पूरा फल पाता है। पुराण श्रवण के पश्चात निश्चय ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जो इस पुस्तक के लिए षड्यंत्र, पेटी, सुत, पत्र, पन्ने, काठ की पट्टी जिसे बांधने की रस्सी या वेष्टन वस्त्र आदि दान करता है, वो स्वर्ग लोक को जाता है। जो अग्नि पुराण की पुस्तक का दान करता है, वो ब्रह्मलोक में जाता है। जिसके घर में ये पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पात का भय नहीं रहता, वो भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनियों, आप लोग इस अग्नि पुराण को ईश्वर रूप मानकर सदा इसका स्मरण रखें। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सूत जी मुनियों से पूजित हो वहां से चले गए और शौनक आदि महात्मा भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए।